नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोट्रिक क्लास 10th एंड 12th। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फाइलम प्रोटोजोआ, जिसके बारे में आज जनरल कैरेक्टर और उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ को दो शब्द से मिलकर बना है। प्रोटोज मतलब प्रिमिटिव, जून मतलब एनिमल। ऐसे एनिमल जो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, मतलब बहुत ही पहले श्रेणी में आते हैं, इनका काउंटिंग पहले श्रेणी में होता है। और प्रिमिटिव का हिंदी होता है प्राचीन, मतलब बहुत ही पुराने जमाने के प्राचीन शब्द है। तो प्राचीन मतलब आप लोग जान ही रहे होंगे, ओल्ड टाइप में जो प्रिमिटिव होते हैं, ओल्ड एनिमल प्रिमिटिव एनिमल कहलाते हैं। या इसको ऐसे ही कह सकते हैं, वह एनिमल जो फर्स्ट श्रेणी में आते हैं उन्हें प्रिमिटिव एनिमल कहते हैं। प्रोफाइलम प्रोटोजोआ मतलब प्रिमिटिव एनिमल। इसकी सबसे पहले शब्द की खोज की थी गोल्ड फ्यूज ने 1817 ईस्वी में। इसकी लगभग 50,000 प्रजातियां पाई जाती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण दोस्तों अमीबा है। अमीबा को आप अपने माइंड में रखेंगे तो इसके जनरल कैरेक्टर को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों इसके कुछ जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं। फर्स्ट है इसका, इट इज मोस्ट प्रिमिटिव क्रिएचर्स इन द वर्ल्ड। देखिए दोस्तों इसमें जो दिया है, इट इज मोस्ट प्रिमिटिव, प्रिमिटिव शब्द यहाँ से लिया गया है प्रोटोजोवन। प्रोटोजोवा शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, जैसे कि हमने अभी भी पढ़ा, आप लोगों ने जाना, प्रोटोस और जून दो शब्द से मिलकर बना है, जिसमें प्रोटोस का मतलब होता है प्रिमिटिव, जून मतलब एनिमल। इसमें दिया है इट इज मोस्ट प्रिमिटिव क्रिएचर्स इन द वर्ल्ड, मतलब यह सबसे प्राचीन क्रिएचर जीव है जो कि दुनिया में अभी भी है, मतलब ये बहुत प्राचीनतम जीव है जो कि दुनिया में दिया है। दूसरा इसका टॉपिक है इट इज इन दिस फाइलम क्रिएचर्स आर असेलुलर एंड यूनिसेलुलर, मतलब इस फाइलम में जो जीव रखे गए हैं वह अकोशिकीय और एक कोशिकीय जीव हैं। इनका बॉडी स्ट्रक्चर, थर्ड पॉइंट है बॉडी स्ट्रक्चर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है शारीरिक संगठन जीवद्रय स्तर का होता है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब जीवद्रव स्तर का इनका शारीरिक संगठन होता है। इसका चौथा पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों, सम प्रोटोजोवन आर एक्सप्लोटेड मतलब अनकवरेड, इनके ऊपर कोई बाहरी कवर या खाल खोल ये सब नहीं होती। एंड सम प्रोटोजोवन आर पेलिकल मतलब इनके ऊपर कुछ झिल्ली नुमा पदार्थ पाया जाता है जो खोल की तरह होता है, झिल्ली का बना होता है। एंड सम आर एक्सुलेशन मतलब इनके ऊपर कोई बाहरी आवरण, बही आवरण या बही कंकाल कह सकते हैं, वह होता है, जैसे कि इन आपके नाखून, नेल, हेयर, ये सब एक्सुलेटन सिस्टम में आते हैं। एंड फाइव है दोस्तों, देयर सेल फ्लूइड इन इज मेनली ओनली अ न्यूक्लियस, मतलब इनके कोशिका द्रव में मुख्यतः केवल एक केंद्रक होता है। देयर सेल फ्यूल इज मेनली ओनली अ न्यूक्लियस, मतलब इनके कोशिका द्रव में केवल एक केंद्रक होता है। बट सम स्पीसीज हैव टू एंड थ्री न्यूक्लियस, लेकिन कुछ ऐसी भी जातियां हैं जिनमें दो या दो से अधिक न्यूक्लियस होते हैं। इसमें छठा पॉइंट है मोमेंट ऑर्गन पेसोपोडिया फ्लैजलम चीलिया। मोमेंट ऑर्गन चलन अंग जो कि होता है पेसोपोडिया फ्लैजलम एंड चीलिया। दोस्तों पेसोपोडिया एंड फ्लैजलम एंड चीलिया तीनों चलन अंग का कार्य करता है। दोस्तों ये आप लोगों ने युगलीना का स्ट्रक्चर देखा होगा, कुछ इस टाइप का होता है।
ये भी फाइलम प्रोटोजोआ में आता है, ये युगलिना है दोस्तों। इसमें ये जो ये हेयर टाइप में दिख रहा है ये फ्लैजलम वर्क है, फ्लैजलम है। और चीलिया दोस्तों ये भी उपचलन के कार्य कार्य में आता है। और इसमें आता है न्यूट्रिशन दोस्तों, ये आपका 7 पॉइंट है। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन हेलोजोइक, हेलोफिलिक एंड स्पैरोजोइक एंड पैरासिटिक एंड सम आर मिक्सो मिक्सोट्रोफिक होते हैं। इनमें जो न्यूट्रिशन होता है पाचन, वह प्राणी सम, हेलोजोइक प्राणी सम और हेलोजोइक प्राणी सम हेलोफिलिक मतलब पादप सम का होता है। स्पैरोजीक मतलब मृतपोषी जीव होते हैं। पैराजिक मतलब परजीवी और सम आर मिक्सो प्रोफिक मतलब ये मिक्स पोषी होते हैं, मिश्र पोषी होते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है। पॉइंट नंबर 8 है दोस्तों रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इट इज 2 टाइप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सेक्सुअल दोनों प्रकार से होता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये था दोस्तों इसका बेसिक कैरेक्टर एंड जनरल फीचर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम अमीबा के बारे में जानते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बायोट्रिक क्लास 10th एंड 12th। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।